नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। यदि समय रहते सिंचाई विभाग करनाल ने अपने काम को गंभीरता से लिया होता और रावर नहर का मरम्मत का काम किया होता तो शायद करनाल में रावर नहर वाला हादसा नहीं होता। इसे सरासर सिंचाई विभाग की लापरवाही भी कहा जा सकता है। उनकी इस लापरवाही का खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ा और उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ा। आपको बता दें कि रविवार को रावर नहर में जो रिसाव हुआ था उसके चलते पूरा गांव जलमग्न हो गया था। हालांकि तुरंत कार्यवाही करते हुए प्रशासन और सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने काफी मशक्कत के बाद पानी को रुकवा दिया था। आज समाचार एक्सप्रेस की टीम ने एक बार फिर से नहर का दौरा किया। मौके पर पहुंचने पर कैमरे में जो कैद हुआ वह यह जाहिर करता है कि यह नहर अभी कई स्थानों से खतरे के निशान पर है। कई स्थानों पर मिट्टी और रेत के भरे कट्टे डाले जा रहे हैं। आखिर क्या ऐसे कट्टे जल सैलाब को रोक पाएंगे? इसके अलावा नहर पर बना पुल भी जर्जर हालत में है, वह भी कई स्थानों से टूट चुका है और उसे भी अब निर्माण की जरूरत है। इस संदर्भ में जब मौके पर बैठे विभाग के एक्सियन नवतेज से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि इस बारे में सारी जानकारी एसई साहब दे सकते हैं। इसके बाद जब एसई संजय राठ से फोन पर बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस नहर के नवीनीकरण का काम आगामी अक्टूबर और नवंबर माह में शुरू हो जाएगा। इसके नवीनीकरण के लिए 400 करोड़ रुपए का एस्टिमेट पास किया गया है। देखिए एक विशेष रिपोर्ट। दोस्तों, मैं हूं तरुण मदान और आप देख रहे हैं इस समय समाचार एक्सप्रेस। मैं आपको बता दूं कि जिस नहर के बारे में हमने कल आपको बताया था कि किस तरह से उस नहर में दरार आने के कारण कई गांव जलमग्न हो गए थे, पूरे रावर गांव का 80% हिस्सा जलमग्न हो गया था, करोड़ों का नुकसान हो गया था। मैं आपको इसके बावजूद आज दिखाना चाहूँगी किस तरह से नहर की दशा है। जैसे जैसे पानी उतरता जा रहा है नहर की असलियत भी सामने आ रही है। आप कैमरे में देख सकते हैं किस तरह से जगह जगह से बैठी हुई है नहर है, जगह जगह से बैठी। इसमें आप देख सकते हैं कट्टों के माध्यम से, मिट्टी से भरे कट्टे, रेत से भरे कट्टों के माध्यम से नहरी पानी को रोकने का प्रयास किया गया सरकार द्वारा, विभाग द्वारा, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। इस नहर को पूरी की पूरी रिपेयर की जरूरत है, ऐसा कुछ लोगों ने हमें भी बताया। हमें यह भी पता चला था कि पिछले कई वर्षों से इस नहर पर रिपेयर नहीं हुआ, जिसका खामियाजा गाँव रावर के निवासियों को भुगतना पड़ा और वहाँ पूरा का पूरा गाँव जलमग्न हो गया, जिसमें करोड़ों का नुकसान हो गया, लोगों के घर बैठ गए, लोगों का सामान खराब हो गया। मैं आपको अब ये दिखाना चाहूँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस नहरी पानी में से खुद तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी को चप्पल मिले हैं, किसी को बर्तन मिल रहे हैं। ये नहरी पानी जैसे जैसे उतर रहा है वैसे वैसे लोग इसमें कुछ ना कुछ तलाशने का प्रयास कर रहे हैं। यह भी शायद इन लोगों की मजबूरी होगी, लेकिन मैं आपको हकीकत ये बताना चाहूँगा कि इस नहर को अब पूरी तरह से रिपेयर की दरकार है और सरकार को इस बारे में कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। मैं कुछ लोगों से बात भी करूँगा, मैं आपको कई और जगह से दिखाने जाऊँगा कि नहरी पानी की को किस तरह से रोका जा रहा है, किस तरह से कट्टों को ढाल बनाकर नहरी पानी को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वो असफल रहा, अभी तक असफल रहा। अब कोशिश करेंगे हम, मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरह सड़कों पर कट्टे पड़े हैं, शायद इन्हीं से इनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। जानकारी से सूत्रों से जो हमें जानकारी मिली है वह यह भी मिली है कि अगर इस पूरी नहर की पटरी पर अगर हम लगातार भी दौड़ते चले जाएं तो हमें जगह जगह पर ऐसे दृश्य देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर नहर अब बैठने की कगार पर है, और अगर इसको जल्दी मरम्मत ना की गई या जल्दी इसकी रिपेयर ना की गई तो इसका खामियाजा आने वाले दिनों में और भारी पड़ सकता है प्रशासन के लिए और जनता के लिए। ये देखिए कट्टे पड़े हैं सड़कों पर, इन कट्टों से नहरी पानी को रोकने का प्रयास किया जा रहा है अभी भी। इसके लिए कल भी प्रशासन द्वारा मशक्कत की गई थी, परसों मशक्कत की गई थी। ये एक और दृश्य है नहर का, आप देख सकते हैं किस तरह से वहाँ साइडों पर कट्टे रखे गए हैं, किस तरह से नहर बैठी हुई है, किस तरह से कट्टों के द्वारा नहरी पानी को रोकने का प्रयास किया। सवाल यह पैदा होता है क्या खाली कट्टों मात्र से ही नहरी पानी को रोका जा सकता है, जबकि जल सैलाब कैसा होता है सबको पता है। पुल का दृश्य भी आप देख सकते हैं किस तरह से, इसको भी हम ये कह सकते हैं कि पैच वर्क करके काम चलाया जा रहा है, लेकिन ये कई वर्ष पुराना पुल है और जर्जर हालत में इस समय यह पर है। इसके लिए भी सरकार को और प्रशासन को सोचना होगा कि आखिरकार इसकी व्यवस्था कैसे करनी है, अन्यथा
यह भी कभी कभी ना कभी हादसे का कारण बन सकता है। सरकार को इस विषय में जरूर सोचना चाहिए। आप देख सकते हैं पुल की हालत कैसी है, कैसे पैच वर्क किया गया, सीमेंट के ऊपर सीमेंट लगा दिया गया है, प्लस्तर के ऊपर प्लस्तर कर दिया गया है, लेकिन इसकी जर्जरता को लेकर किसी ने चिंता जाहिर नहीं की। अगर जाहिर की थी तो ग्रामवासियों ने जाहिर की थी, लेकिन उनकी बात को भी अनसुना कर दिया गया प्रशासन की तरफ से, जिसका खामियाजा एक बार फिर मैं आपको बता दूं, खामियाजा किसको भुगतना पड़ा, ग्रामीणों को, गाँव रावर के जो ग्रामीण हैं उनको भुगतना पड़ा। अब अगर निकट भविष्य में इस पूरी नहर को और इस पूरे पुल को जो कि अब जर्जर हालत में नजर आता प्रतीत हो रहा है, इनको रिपेयर की नहीं अच्छी तरह से तसल्ली बख्श मरम्मत की आवश्यकता है। मैं तरुण मदान, वीडियो जर्नलिस्ट सन्नी चौधरी, समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।